सोनू, राधा, सुबह सुबह के सैर में बड़ा ही आनंद आता है। हाँ दादाजी। आज सुबह सुबह जब मैं अखबार पढ़ रहा था, तब उसमें एक एड देखा था। तुम दोनों कह रहे थे ना, तुम्हें चाहिए है एक स्टडी टेबल। मुझे वो स्टडी टेबल तुम्हारे लिए अच्छी लगी। देखने चलोगे मेरे साथ वो स्टडी टेबल? हाँ दादाजी, पर आप अखबार पढ़ पाते हो, हम क्यों नहीं पढ़ पाते अखबार? हम भी तो अक्षर पढ़ना जानते हैं। क्योंकि तुमने अभी मात्राएं नहीं सीखी है ना, इसलिए अगली कक्षा में तुम जब मात्राएं सीख लोगे तो तुम भी पढ़ लोगे मेरे जैसे अखबार। बस मात्राओं को थोड़ा ध्यान से पढ़ना और उन्हें अच्छे से याद रखना, फिर आराम से पढ़ पाओगे अखबार। अच्छा, मात्राएं ये क्या होती है दादाजी? अरे बड़ी ही उत्सुकता है तुम लोगों को मात्राएं जानने की। चलो मैं तुम्हें मिलवाता हूँ मात्राओं से। ये तुम्हें वो मात्रा ही बताएगी वो क्या होती है। आओ चलो मिले मात्राओं से। मात्राएं मात्राएं हैं हम मात्राएं, हम हैं मात्राएं, हम अक्षर के आगे पीछे ऊपर नीचे लगकर उसे दे देती हैं अपना स्वर। स्वर? हाँ, स्वर से ही तो निकली है हम, हमने बस अपना रूप बदल लिया है। आ से निकली आ की मात्रा, छोटी ई से निकली ई की मात्रा, बड़ी ई से ई की मात्रा, हम सब स्वर से ही तो निकली हैं, बस हमारा रूप बदल गया है, क्योंकि हमें व्यंजन के साथ जुड़ना है ना। आओ अब हम देखते हैं कि व्यंजन के साथ मात्रा कैसे लगती है। अ, अ, अरे कहाँ है अ, दिखाई तो नहीं दे रहा। सही पहचाना, मैं अक्षर के अंदर ही छुपा होता हूँ, दिखता नहीं हूँ। सब कहते हैं मेरी मात्रा नहीं होती। होती है भाई, अक्षर के अंदर ही छुपी होती है। बताऊं कैसे? देखो, क अ की मात्रा क, मेरे बिना क आधा होता है, तभी तो उसमें से आवाज आ रही है क अ, है ना। वैसे ही ख अ की मात्रा ख, मैं अक्षर के अंदर ही होता हूँ, छुप जाता हूँ। अब आई आ की बारी, जब क में जुड़ गई आ की मात्रा, बना दिया का। ख में जुड़ गई आ की मात्रा, बना दिया खा। ऐसे ही सबको बना देता हूँ मैं आ। मैं हूँ छोटी ई, छोटी हूँ इसलिए छोटा ही स्वर देती हूँ ई। क में लग गई छोटी ई की मात्रा, तो बन गया की। ख में लग गई छोटी ई की मात्रा, तो बन गया खी। मैं हूँ बड़ी ई, अक्षर को देती हूँ बड़ी आवाज ई। क में लग गई बड़ी ई की मात्रा, बना दिया की। ख में लग गई बड़ी ई की मात्रा, बना दिया खी। अब एक एक करके मुझे पढ़ते जाओ, वरना एक साथ सारी पढ़ोगे तो गोल गोल घूम जाओगे। अब अगली बार तुम्हारे लिए आ की मात्रा होगी तैयार, क्योंकि अ तो तुम आज पढ़ ही चुके हो। अ छुपा होता है अक्षर में,
अ की मात्रा अलग से नहीं होती है, वो अक्षर में ही छुप जाता है। तो अ तो हम पढ़ चुके हैं, अब हम पहचानेंगे अ की मात्रा क से ज्ञ तक पढ़कर। जब उसे पढ़ोगे तो उसमें से अ सुर आएगा और समझ जाना अ उसके अंदर छुपा है। हाँ तो बच्चों, कुछ सीखा तुमने मात्रा से? हाँ दादाजी, आज हमने अ की मात्रा सीखी। आज हमें पता चला अक्षर के अंदर ही छुपी होती है अ की मात्रा, और अब हमें इंतजार है आ की मात्रा का। थैंक यू दादाजी, आज आपने हमें मात्रा से मिलवाया। अब हम जल्दी जल्दी मात्रा सीखकर आपकी तरह अखबार पढ़ना सीख जाएंगे। हाँ बेटा, अखबार तो तुम पढ़ लोगे, पर उससे पहले इन मात्राओं को थोड़ा अच्छे से ध्यान से पढ़ लो, ठीक है ना? चलो चलो, अब थोड़ा जल्दी चला जाए, तुम्हारी स्टडी टेबल भी देखकर आनी है ना। हाँ हाँ दादाजी, चलिए थोड़ा जल्दी चलते हैं। चलो चलो, फिर हम अगली बार आ की मात्रा पढ़ेंगे। चलो चलो, जल्दी चलो अब।